की कर जाती है। 94.3 एफएम की गीत आपके साथ। मेरे ड्रॉअर में बहुत कुछ स्पेशल होता है, आई गेस ऑफिस में सॉल्यूशन प्रोवाइडर मेरा ड्रॉअर रहता है, लेकिन ये गीत के ड्रॉअर के अलावा जो हमारे साथ है, जिनको वीरे 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 मैं नहीं कहना चाहती और इनके साथ हम सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होंगे, बट यस इंजॉय करते हैं इन्हें, हम सुनते हैं विशाल हमारे साथ। सो यस विशाल, गीत के ड्रॉअर में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपके ड्रॉअर में क्या रहता है? गीत के ड्रॉअर में बड़ी सारी सॉल्यूशन प्रोवाइडर चीजें रहती है। कभी मैं दूसरों के ड्रॉअर से चीजें चुरा के फिर अपने ड्रॉअर में रख लेती हूं। कल ही मैंने मानव के ड्रॉअर से कैंडीज चुराई थी। तो आपके ड्रॉअर में क्या रहता है? यूजुअली जब हम स्टूडियो जाते हैं, मैंने गो टू माय स्टूडियो, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, मेरी ड्रॉअर में आपको बहुत सारी कैंडल्स मिलेंगी, एसेंस कैंडल्स, एसेंस स्टिक्स, बिकॉज मेरा दिन जैसे ही मैं क्रिएटिव स्पेस में मैट्रा घंटे काम करता हूँ, और अगर मैं स्टूडियो के अंदर घुसा हूँ तो मुझे वो खुशबू, वो खुशबू ना सोबत जैसी लगती है, ऐसा लगता है मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं। तो मैं कैंडल जलाता हूँ सबसे पहले ड्रॉअर में, favorite candle according to my mood that day. Okay. जैसे साहब की मेरी उस दिन vibes है. And I will put it out and then I start. So that's the first thing that you'll find. Otherwise मेरी बहुत सारी drawers हैं. इसमें आपको बहुत messy सामान भी मिलेगा, wires मिलेंगे, XLR cables मिलेंगे, microphones मिलेंगे. Okay. But nothing apart from that because my life is also around music. Candles is something that you'll especially. कैंडल्स इनके ड्रॉअर में मिलेंगी। एंड आई गेस अगर आप भी अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, खुशबूदार उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार भरी करना चाहते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं, तो आपके ड्रॉअर में भी ये शामिल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। और एक बहुत ही प्यारी सी चीज भी इन्होंने शेयर की है, वो मेरी शक्ल किसके जैसी मिलती है, ये एकदम तमन्ना जैसी लगती है। तमन्ना मेरी हीरोइन थी, एक फिल्म करी थी मैंने तमिल, उसका नाम था देवी, जो की बाद में प्रभु देवा ने हिंदी में भी रिलीज करी। सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, so Tamanna is really special to me. और मैंने इनको देखा, मैं उस तरफ इंटरव्यू कर रहा था एंड मैं बड़े गौर के इनको देख रहा था, मुझे एक्चुअली लगा था कि और मतलब मैं चश्मे हटा के देख रहा था इनको, तो मैं बोल रहा था कि एकदम तमन्ना जैसी लगती है। मैंने इनकी एक पिक्चर भी खींची है जो कि I'll make sure कि मैं भेजूं उसको भी। That is very special for me.